हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सीरीज में ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का रिवीजन लेक्चर सेकंड है। आज के लेक्चर में हम औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के दो लेक्चर हमने बनाए हैं, उसमें हमने एक में कारखाना अधिनियम का रिवीजन किया था और दूसरे लेक्चर में हमने जो कि स्ट्राइक्स के नाम से था, हड़ताल के नाम से हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था जो कि पूरा का पूरा किस पर बेस्ड था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर बेस्ड था। तो इसलिए हम डिस्प्यूट एक्ट का लेक्चर दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने स्ट्राइक्स में ही उसको कवर कर दिया है। और चूंकि ये सारे रिवीजन लेक्चर हैं इसलिए हम बहुत ब्रीफ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा किस पर है, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम। इससे पहले के दो लेक्चर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगला जो लेक्चर हमारा आएगा वो आएगा व्यवसाय संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार, जितनी बार यूपीएससी ने ईपीएफओ का एग्जाम लिया है लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, यहाँ से भी लगभग एक दो बार गैप करके क्वेश्चन आता रहता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो कि आपका दो चीज़ों को कवर करता है, आपका इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी को भी कवर करता है, साथ ही इंश्योरेंस के पार्ट को भी कवर करता है। तो ये दोनों एक ही ओवरलैप करते हुए टॉपिक है। फिर है घातक दुर्घटना अधिनियम, ये हमारा लास्ट टाइम में हमने आपको बताया भी था कि इसमें हमने 1961 यहाँ मेंशन कर दिया था, तो आप उसको ठीक कर लें। ये 1855 होता है, फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। इसके बाद होगा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ये क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपका सोशल सिक्योरिटी का पार्ट भी है और साथ ही इंश्योरेंस भी इसके अंतर्गत कवर किया जाता है क्योंकि इसमें रकम दी जाती है, तो जो लेडी होती है, विमेन होती है, वो इसमें इंश्योर्ड रहती हैं। फिर है कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसी डिपार्टमेंट की जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका तो पता ही होना चाहिए आपको। तो ये भी आपका इंश्योरेंस से भी रिलेटेड है और सोशल सिक्योरिटी से भी। देखिए क्योंकि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस अपने आप में ही एक सोशल सिक्योरिटी है, तो ये आप बिल्कुल जहन में रखें। बहुत से बच्चे हमसे कमेंट में पूछते हैं, जो वर्ड मैसेज करते हैं तो पूछते हैं हमसे, बहुत से बच्चे मैसेज करके ये पूछते हैं व्हाट्सएप पर कि सर आपने इंश्योरेंस के लॉ इसमें नहीं बताया है सोशल सिक्योरिटी का। तो ये देखिए ये ओवरलैप करते हुए सब्जेक्ट हैं, तो इंश्योरेंस अपने आप में ही सोशल सिक्योरिटी है। अगर किसी को लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो ये अपने आप में ही उसकी सोशल सिक्योरिटी पर से भी रिलेटेड है। किसी को हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो क्या है, ये एक सोशल सिक्योरिटी ही तो है। तो ये ओवरलैपिंग करते हुए टॉपिक होते हैं। फिर है परिवार पेंशन योजना, ये देखेंगे हम। उसके बाद कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम कंपनसेशन एक्ट 1923। फिर है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आप देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने टॉपिक्स को अपने जीएस के जो टॉपिक है, आपका जीएस का जो सिलेबस है उससे भी लिंक करके देखने की कोशिश किया कीजिए। तो आपके ये जो टॉपिक लेबर लॉ के स्पेशली और सोशल सिक्योरिटी के हैं वो आपको फंडामेंटल राइट्स क्वालिटी में अपने और दूसरा किस चीज़ में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरलिंक मिलेंगे। तो आप जो आर्टिकल आपके पॉलिटी में इन दो चैप्टर्स यानी कि पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दो से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हों जो आपके सोशल सिक्योरिटी को कवर करते हों, तो वो आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रखिए क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाएगा क्योंकि जीएस में आपके पॉलिटी तो आना ही है। तो पॉलिटी से आपसे इन्हीं आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि सोशल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप उस पर बिल्कुल अच्छे से फोकस कर रहिए। तो अब शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि हमें जो भी पढ़ना है एक्ट से रिलेटेड, अधिनियमों से रिलेटेड, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉ के एक्ट हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी के एक्ट हो, चाहे आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्ट हो, आपको उसमें मेनली तीन चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए कोई कानून विशेषज्ञ नहीं बनना है, ना ही आपको जज बनना है। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। पहली चीज़ आपका अधिनियम कब पारित हुआ, कौन से सन में, आपको ईयर पता होना चाहिए उसका। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो विवादों का निर्णय लेने के लिए एपलेट बॉडीज़ हैं
उनका आपको पता होना चाहिए कि एपिलेट बॉडीज कौन कौन सी हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, पहली। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपको कुछ डेफिनेशंस ध्यान रखनी है, डेफिनेशंस ध्यान रखनी है, जैसे कि पंचायत अधिनियम के अनुसार पंचायत किसे कहते हैं, अधिनियम के अनुसार कंसिलेशन ऑफिसर कौन होता है, अधिनियम के अनुसार लेबर ऑफिसर कौन होगा, या फिर उसकी योग्यता क्या होगी, यानी कि लेबर ऑफिसर की सिर्फ परिभाषा नहीं होगी, परिभाषा में परिभाषा के अंतर्गत उसकी क्वालिफिकेशन भी दे रखी होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, दो पार्ट, कि कोई भी अधिनियम कौन कौन से इंडस्ट्री पर लागू होगा, यानी कि उसके लिए शर्तें क्या होंगी। जैसे कि हमने कारखाना अधिनियम पढ़ा था, आपको याद होगा, तो कारखाना अधिनियम में हमने क्या देखा था कि ऐसे कारखाने जहां पर 10 या 10 से ज्यादा श्रमिक एम्प्लॉयड हो और वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पावर सप्लाई के थ्रू हो रही हो, यानी कि बिजली की सहायता से जहां पर बिजली के यंत्रों का इस्तेमाल होकर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय कहीं कार्यरत हो, तो वो कारखाने के अंतर्गत आएगा। अगर बिना पावर सप्लाई के 20 या 20 से अधिक श्रमिक उसमें कार्यरत हैं तो वो भी कारखाने के अंतर्गत आएगा। तो पहली चीज तो ये है कि आपको कंडीशन पता हो कि कौन सा अधिनियम किस फैक्ट्री पर, किस इंडस्ट्री पर लागू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। आप जो उसमें बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं ना कि सर सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं, धाराएं याद नहीं हो रही, तो भाई धाराएं नहीं याद करनी है, कहीं जजमेंट बैठकर नहीं सुनाओगे, जाकर जजमेंट थोड़ी सुनाना है जाकर कोर्ट में। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए डेफिनेशंस के कहाँ कहाँ पर लागू है, आपको बेसिक एक समझ होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि धाराओं का उल्लंघन होने पर, या किसी प्रोविजन का, एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन होने पर कितनी सजा का प्रावधान है, आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। कितनी सजा का प्रावधान है, क्या क्या फाइन है, अगर जेल है तो कितनी जेल है, कितने टर्म की जेल है, तो ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो हमारा जो औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश है, देखिए कोई भी एक्ट अगर बनता है, हमने पहले भी आपको बताया है, कोई भी अधिनियम अगर जब बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, औद्योगिक नियोजन अधिनियम इसलिए आया क्योंकि पहले काम के एक तो घंटे सीमित नहीं थे, कोई फिक्स नहीं थे कि जितने दिन चाहे एक्सप्लॉइट कर लो लेबर को, जहां उसका बिल्कुल खून चूस लो, बस उसमें इतनी जान छोड़ो कि वो अगले दिन काम कर सके। तो इस तरह से लेबर को का खून निचोड़ा जाता था उनके लिए, और उसके बाद भी उनकी काम की कोई गारंटी नहीं थी। देखिए जैसे कि आप आज भी गवर्नमेंट की सेक्टर की तरफ क्यों भागते हैं, बच्चे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि पता है कि एक सरकारी दामाद हो जाएंगे, निकालेगा नहीं कोई। प्राइवेट में क्या है, अगर वो आपको 20,000 रुपये सैलरी देगा तो आपसे 1 लाख रुपए का काम ले लेगा, और अगर 1 लाख का काम नहीं दिया तो 2 बार वार्निंग मिलेगी, तीसरी बार बाहर खड़ा कर देगा गेट के। तो लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। तो तब या पहले लेकिन अब तो कुछ, ये एक हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा है कि कुछ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वहां पर आज भी ऐसा ही है, आज भी कंडीशन यही है कि वो जब चाहते हैं रख लेते हैं, जब चाहते हैं किसी को भी काम से निकाल देते हैं। जैसे कि अगर उनकी सेल कम हो गई, किसी की दुकानदार की सेल कम हो गई, तो वो तो निकाल कर बाहर बाहर खड़ा कर देगा, या किसी फैक्ट्री ओनर की सेल कम हो गई, प्रोडक्टिविटी गिर गई, या फिर उसका प्रॉफिट गिर गया, स्पेशली प्रॉफिट, तो वो लेबर को क्यों रखेगा काम पर, जो काम उसके लिए 5 लोग कर सकते हैं तो वो 10 को क्यों रखेगा वहां पर, वो निकाल कर बाहर बाहर खड़ा कर देगा। तो इन्हीं चीज़ों के लिए, ताकि अचानक किसी को निकाला ना जाए काम से, और काम की जो परमानेंसी है वो बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, तो इसलिए यह एक्ट लाया गया। और उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए कि यह एक्ट किस किस जगह पर लागू होगा। तो ऐसा तो है नहीं किसी दुकान दुकान पर, कि अगर आप कहीं दुकान पर गए हल्दीराम के यहाँ, और हल्दीराम के यहाँ 5 लोग हैं, तो वहां पर थोड़ी लागू हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ इंडस्ट्री होनी चाहिए जहां पर इसको लागू किया जाए, तो उसके लिए कुछ शर्तें बनाई गई। तो ये क्या है, इसमें दो शर्तें हैं, अधिनियम लागू होने की दो दशाएं बनाई गई, कि ये मेनली दो कंडीशन में लागू होगा। और वो दो कंडीशन कौन सी होंगी, पहली, एक निश्चित निर्धारित संख्या, यानी कि ये उस उन कारखानों पर लागू होगा, उन फैक्ट्रीज पर, उन इंडस्ट्रीज पर लागू होगा, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा जहां पर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय वहां पर काम पे होंगे, तो वो वहीं पर ही लागू होगा। दूसरा, उपयुक्त सरकार का आदेश। देखिए ये जो उपयुक्त सरकार का आदेश है ना, यानी कि उपयुक्त मतलब कंसर्न गवर्नमेंट, यानी कि वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री जिस क्षेत्र में आती है, तो जिस राज्य क्षेत्र में आती है, तो उस राज्य से क्षेत्र का आदेश। तो ये रखा क्यों जाता है, ये इसलिए रखा जाता है कि जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट हो तो उन पर सरकारी नियंत्रण बना रहे, यानी कि उन पर वहां से लोगों को काम से अचानक ना निकाला जाए, यानी या वहां पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयर द्वारा ना किया जाए। तो ये दो कंडीशन कौन कौन सी, पहली है निश्चित निर्धारित संख्या, ये नियम उन सभी एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा। ये नियम क्या कहता है, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, ऐसे सारे एस्टेब्लिशमेंट
जहां पर 100 या 100 से अधिक लोग कार्यरत होंगे वहां पर यह अधिनियम अपने आप लागू हो जाएगा। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन है, अगर साल के किसी भी वर्ष सॉरी साल के किसी भी दिन एम्प्लॉयमेंट की संख्या 100 से पार हो गई, यानी कि मान लीजिए मार्च अप्रैल से स्टार्ट किया मार्च अप्रैल से, तो वहां पर 90 लोग कार्यरत थे, तो यानी कि औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम यहां पर लागू नहीं होगा बेसिकली अगर हम जनरल वे में देखें। लेकिन अगर मान लीजिए जून जुलाई में अचानक काम ज्यादा आ गया और इन्होंने टेम्परेरी बेस पर एम्प्लॉयर ने टेम्परेरी बेस पर 20 लोग और ज्वाइन करा लिए, यानी कि 110 हो गए, तो भी यहां पर ये स्थायी आदेश अधिनियम लागू हो जाएगा। भले ही अब बाद में इसकी संख्या ये दोबारा जून जुलाई के बाद मान लीजिए 2 महीने बाद इनको काम दोबारा से जरूरत कम पड़ी तो इन्होंने 20 जो लगाए थे वो हटा दिए, तब भी ये आदेश इस पर इस अधिनियम इस एस्टेब्लिशमेंट पर लागू रहेगा। यानी कि एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, यानी कि एक्स कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अप्रैल में 90 लोग कार्यरत थे, जून जुलाई में ऐसा हुआ कि इनको काम की ज्यादा इनके पास वो आ गया ऑर्डर आ गए, तो इन्होंने क्या किया 20 लोगों को और ज्वाइन कर लिया, तो यहां पर 110 लोग हो गए। तो अब यहां पर स्थायी आदेश अधिनियम लागू हो जाएगा, परमानेंट ऑर्डर ये एक्ट लागू हो जाएगा, इंडस्ट्रियल परमानेंट ऑर्डर एक्ट। तो अब क्या होगा जून जुलाई के बाद 2 या 3 महीने बाद मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में इनको फिर से काम कम है ऑर्डर कम है, तो इन्होंने 20 लोग जो अलग से ज्वाइन कराए थे वो हटा दिए, फिर से इनके पास 90 लोग एम्प्लॉय रहेगा, तो अब भी ये अधिनियम इस एस्टेब्लिशमेंट पर लागू रहेगा। ये मेन टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार लागू होने के बाद फिर उसको हटाया नहीं जाता है। संख्या के आधार पर समुचित सरकार 2 माह की पूर्व सूचना देकर अधिनियम के उपबंधों को ऐसे औद्योगिक संस्थानों में भी लागू कर सकती है जहां पर नियोजित कर्मकारों की संख्या यानी कि एम्प्लॉयड जो पर्सन हैं जो लेबर है उनकी संख्या 100 से कम हो। तो इसमें यह बताया गया है इस एक्ट के अंतर्गत कि अगर एक बार हो जाएगा एक बार 100 लोग हो जाएंगे तो सरकार 2 महीने का पूर्व नोटिस देकर एडवांस नोटिस देकर ये इस आदेश को लागू कर सकती है, सरकार अधिनियम के उपबंधों को लागू कर सकती है। इसमें दो ढंग से स्पष्टीकरण दिया गया है। पहला है यदि प्रतिष्ठानों का नाम उल्लेख होगा तो यह उन निश्चित प्रतिष्ठानों में ही लागू होगा, पहली चीज। अब सरकार जब लागू करेगी तो सरकार 2 तरह से इसको लागू कर सकती है, इस एक्ट को 2 तरह से टू टाइप से लागू करेगी। पहली चीज तो यह होगी कि जब इसमें नोटिफिकेशन जारी करेगी इसको लागू करने का, तो उस नोटिफिकेशन में जिस एस्टेब्लिशमेंट पर लागू किया जा रहा है उस एस्टेब्लिशमेंट का नाम जो नाम होगा वो मेंशन होगा कि ये दिस 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 एक्स वाई जेड एस्टेब्लिशमेंट पर या फैक्ट्री पर स्टैंडिंग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को लागू किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसा होगा कि क्षेत्र विशेष में मान लीजिए नोएडा सेक्टर, दूसरा तरीका क्या होगा सेकंड टाइप जो होगा सरकार का लागू करने का कि क्या होगा कि नोएडा सेक्टर 61 में जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं उस पर सरकार ये अधिनियम लागू कर रही है, तो इस तरह से लागू कर सकती है। तो 2 तरीके कौन कौन से होंगे, पहला तरीका ये होगा कि सरकार नाम ले देगी, जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेन एक कंपनी का नाम जैसे इबिक्स सॉफ्टवेयर है, इबिक्स सॉफ्टवेयर, तो उसमें लिखा होगा कि सरकार आज से इबिक्स सॉफ्टवेयर पर इस अधिनियम को लागू करती है, यह तो कंपनी का नाम मेंशन कर दिया उन्होंने। दूसरा ऐसा कर सकती है कि इबिक्स सॉफ्टवेयर कहां पर है, मान लीजिए नोएडा सेक्टर 61 में है, तो क्या करेगी सरकार, दूसरा तरीका यह है कि नोएडा सेक्टर 61 ऐसे लिखकर जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी उसमें लिखेगी नोएडा सेक्टर 61 में के अंतर्गत आने वाले सभी एस्टेब्लिशमेंट पर यह औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम लागू किया जाता है, तो इस तरह से ये लागू कर सकती है। लेकिन एक इसमें एक एक्सेप्शन भी है, मान लीजिए वहां पर उस एरिया के अंदर उस राज्य क्षेत्र के जिस एरिया में सरकार इस अधिनियम को लागू कर रही है वहां पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लांट लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लांट लगा हुआ है, तो वो अपवाद के स्वरूप उसमें शामिल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पर राज्य सरकार इस आदेश को लागू नहीं कर सकती बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें एक छोटा सा फैक्ट है। फिर है इसमें अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा, देखिए कुछ हमने आपको जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में बताया था कि अधिनियम की परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है कि अधिनियम में ज्यादातर जो सारे अधिनियम में परिभाषाएं हैं वो जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनके लिए सेम है, जैसे कि कारखाना या मजदूरी या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, इसकी जो डेफिनेशन है वो लगभग सेम है, लेकिन जो कुछ कुछ अलग डेफिनेशन हैं जैसे कि अपीलीय अधिकारी, हो सकता है फैक्ट्रीज एक्ट में अपीलीय अधिकारी अलग हो और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में अपीलीय अधिकारी अलग हो, डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अधिकारी अलग हो, यानी कि अधिकारी अलग का मतलब उसकी योग्यता अलग हो,
अधिकारी अलग होने से मतलब हमारा यह है कि उसकी योग्यता में अंतर। तो यहां पर धारा 2 के अंतर्गत कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है, यानी कि परिभाषाएं कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। अपीली अधिकारी एप्लेट ऑफिसर, तो एप्लेट ऑफिसर जो होगा वो समुचित सरकार, समुचित सरकार कौन सी होती है, कंसर्न्ड गवर्नमेंट। कंसर्न्ड गवर्नमेंट मतलब जिस गवर्नमेंट के अंतर्गत वो एस्टेब्लिशमेंट आ रहा है, जहां पर ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लागू किया गया है, वहां पर नियुक्त अधिकारी का सूचक होता है अपीलीय अधिकारी, जिसकी नियुक्ति सरकार राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना जारी करके बताती है। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1963 के आरंभ में ऐसी अपील के संबंध में है जो किसी औद्योगिक अधिकरण के समक्ष लंबित हो, वो प्राधिकारी या न्यायालय ही अपीलीय प्राधिकारी समझा जाएगा। यानी कि इसमें 1963 के अमेंडमेंट में एक चीज ये मेंशन की गई है कि अगर कोई कार्यवाही किसी एस्टेब्लिशमेंट की, कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के अंतर्गत लंबित है, तो उसमें एपलेट ऑफिसर वही न्यायालय समझा जाएगा जिस न्यायालय में कार्यवाही पेंडिंग चल रही है। तो इसमें क्या है, पहला अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करेगी, दूसरा इसके विशिष्ट क्षेत्र अधिकार तथा कर्तव्यों को इसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, यानी कि जो गैजेट नोटिफिकेशन होगा उसमें उस अपीलीय अधिकारी यानी एपलेट ऑफिसर की जो कर्तव्य है, उसके ड्यूटीज और उसके अथॉरिटीज, उसके क्षेत्र अधिकार जो होगा, ज्यूरिसडिक्शनल जो एरिया होगा उसका भी उल्लेख किया जाएगा, यानी कि कहाँ से किस किस एरिया के लिए ये ऑफिसर इसके पास अथॉरिटी है। फिर है इसके क्षेत्र अधिकार का उल्लेख किया जाना वांछित होता है, जिससे क्षेत्र अधिकार संबंधी विवाद दो समान स्तर के प्राधिकारियों में उत्पन्न ना हो, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। मान लीजिए नोएडा सेक्टर 61 का ही एग्जाम्पल लें, तो 61 के लिए अलग, जैसे किसी एपलेट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा तो 63 के लिए अलग अपॉइंट किया जाएगा ऑफिसर, और उसको मेंशन किया जाएगा कि आप सेक्शन 61 के ही अंतर्गत आपको अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ऐसे ही आपको दूसरे वाले को कि 63 के अंतर्गत ही सेक्टर 63 के अंतर्गत ही आपको अथॉरिटीज और आपकी ड्यूटीज दर्ज की गई हैं, तो ताकि दोनों की ड्यूटीज और अथॉरिटीज ओवरलेप ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि दोनों समान स्तर के अधिकारी होंगे। फिर है प्रमाणक अधिकारी, सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग यानी कि कौन प्रमाणित करेगा कि कौन सा एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर लागू किया जा रहा है, या कहाँ कौन सा ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो कि लागू किए जाने योग्य है, तो ये प्रमाणित कौन करेगा, श्रम आयुक्त यानी कि लेबर कमिश्नर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, रीजनल लेबर कमिश्नर, या फिर तीसरा है समुचित सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकारी जिसकी नियुक्ति राजकीय पात्र में अधिसूचना जारी करके दी गई हो, तो ऐसा ही कोई अधिकारी इसका प्रमाणन करेगा। फिर है नियोजक एम्प्लॉयर, नियोजक से अभिप्राय किसी औद्योगिक संस्थान के स्वामी से है, यानी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है उसका जो ऑनर होगा वही नियोजक माना जाएगा। स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, इससे अभिप्राय इस अधिनियम की अधिसूचना में दिए गए मामलों से संबंधित नियमावली, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस अधिनियम के अंतर्गत, कौन सा अधिनियम, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसकी जो, इसी को ही क्या माना जाएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये स्थायी आदेश को प्रमाणित करने का ढंग और प्रमाणक अधिकारी के कार्य, ये देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं किसी भी एक्ट के, तो वो क्या है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी नियमावली बिना प्रमाणित कराए नियोजक अपने प्रतिष्ठान में लागू नहीं कर सकता। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर ये वाला ऑर्डर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट अगर लागू हो जाता है, अब एक बार इस एस्टेब्लिशमेंट में ये एक्स वाई जेड कोई एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पर एक बार अगर ये ऑर्डर लागू हो गया, ये एक्ट लागू हो गया, तो अब इस एस्टेब्लिशमेंट का जो स्वामी है यानी कि एक्स वाई जेड का जो ऑनर है ए, अगर यहाँ पर ये कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी कंपनी के लिए बनाएगा, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इस अथॉरिटी से जो स्टैंडिंग ऑर्डर की अथॉरिटी है यानी कि जो अधिकारी होगा एपलेट ऑफिसर, पहले इससे सर्टिफाई कराना पड़ेगा, तभी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई चेंजेस की जाएगी। यानी कि धारा 3 के अंतर्गत सभी नियोजकों का कर्तव्य है कि वो नियमावली को 6 माह की अवधि में प्रमाणित करा लें, अन्यथा वे दंड के भागी होंगे। यानी कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे वो 6 महीने के अंतर्गत सर्टिफाइंग ऑफिसर से या एपलेट ऑफिसर से उनको सर्टिफाइड कराना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, उनको पेनाल्टी या फाइन लगाया जाएगा। पेनाल्टी और फाइन में क्या क्या आएगा वो हम आगे देखते हैं। देखिए अब वो नियमावली क्या होगी, नियमावली के अंतर्गत पहले देख लेते हैं नियमावली किसकी, ये हम एम्प्लॉयर की नियमावली देख रहे हैं, तो एम्प्लॉयर की नियमावली किस कौन सी प्रमाणित कराना पड़ेगी एम्प्लॉयर को, कि उस जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर लेबर के लिए काम के घंटे कैसे दिए गए हैं, मजदूरी की दरें क्या हैं, भुगतान की दरें क्या हैं, भुगतान का तरीका क्या है, पेमेंट ऑनलाइन हो रही है या चेक से हो रही है या फिर कैश में हो रही है,
शिफ्ट कितनी शिफ्ट में काम हो रहा है वहाँ एस्टेब्लिशमेंट में, ये सारी जो नियमावली होगी ये क्या करनी पड़ेगी, ये एम्प्लॉयर को सर्टिफाइंग ऑफिसर से सर्टिफाइड कराना पड़ेगी। कितने दिन के अंदर? 6 माह के भीतर, यानी कि जब उस पर एक्ट लागू हो गया जिस एस्टेब्लिशमेंट पर, उस एस्टेब्लिशमेंट के मालिक को 6 महीने के अंतर्गत इस नियमावली को सर्टिफाई कराना पड़ेगा। और नियमावली में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, उपस्थिति और विलंब के आने के संबंध में नियम। यानी कि अगर उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई लेबर देर से आता है तो उसके संबंध में क्या नियम बनाए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, कहीं ऐसे नियम तो नहीं बनाए हैं जिससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, तो वहां की छुट्टियां वगैरह के संबंध में, और निलंबन यानी कि किसी को निकालने की जो शर्तें हैं, तो वो उस नियोजन, औद्योगिक नियोजन में किस तरह की बनाई गई हैं। फिर है स्थायी आदेशों का उपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन। नियोजक और कर्मकार दोनों ही स्थायी आदेशों के अधीन उपांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि लेबर और एम्प्लॉयर दोनों को छूट दी गई है कुछ हद तक। धारा 10 के अंतर्गत, सेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंतर्गत कुछ छूट दी गई है कि वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ चेंजेस करानी है। सामान्यतः स्थायी आदेश अपने लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक अवश्य लागू रहेंगे। लेकिन देखिए, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट होगा वो जब एक बार लागू हो जाएगा तो वो मिनिमम 6 महीने तक उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया जाएगा। पहली चीज़, 6 महीने के बाद ही किसी तरह के मॉडिफिकेशन के लिए लेबर यूनियन भी अपील कर सकती है और खुद एम्प्लॉयर भी अपील कर सकता है अपनी तरफ से। ये किसके लिए अपील करेगा? देखिए, ये इसके लिए अपील करेगा, मान लीजिए एम्प्लॉयर कोई एबीसी कंपनी चला रहा है और एबीसी कंपनी के उसने रूल्स, ये हम आपको दोबारा से बता रहे हैं, रूल्स और एंड रेगुलेशंस क्या करे हैं। ये जब आदेश इस पर लागू हुआ यानी कि ये एक्ट, औद्योगिक नियोजन एक्ट जब लागू हुआ, तो उसने 6 महीने के अंदर, जैसे हमने आपको बताया कि 6 महीने के अंदर अपने इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन सर्टिफाई कराना जरूरी होते हैं। अब मान लीजिए इसने सर्टिफाई भी करा लिए, अब सर्टिफाई कराए हुए पहले कम से कम इसको 6 महीने हो जाने चाहिए इस चीज़ को। अब ऐसा होता है कि अब मान लीजिए एम्प्लॉयर के पास और ज़्यादा वर्कर आ गए और उसने कुछ और चेंजेस किए अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस करने के लिए पहले उससे इस औद्योगिक नियोजन के अंतर्गत दोबारा से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। अगर एक रूल में भी चेंजेस की जाती है तो इसको दोबारा से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, अन्यथा वो रूल को लागू नहीं कर सकता, नए रूल को दोबारा लागू नहीं कर सकता। तो उपांतरण के लिए आवेदन निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, यानी कि अगर मॉडिफिकेशन कराना है तो किन किन चीज़ों में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला, परिस्थिति में कोई परिवर्तन आ गया, यानी कि हो सकता है कि 1 2 3 साल बाद एनवायरमेंट कुछ चेंज हो गया हो, कुछ कंडीशंस चेंज हो गई हो, तो उस कंडीशन में इसको चेंज किया जा सकता है। कुछ तथ्य ऐसे हो सकते हैं जो, यानी कि अगर जब सर्टिफाई कराया गया था तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो उनको रीसर्टिफाई कराने के लिए इसमें मॉडिफिकेशन कराई जा सकती है। या फिर तीसरा, आवेदक इसे अधिक लाभदायक और सार्थक सिद्ध होने की आशा करता हो, यानी कि एप्लीकेंट जो है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या फिर लेबर हो, लेबर यूनियन हो, अगर उसको लगता है कि इस तरह का जो मॉडिफिकेशन वो कराने जा रहा है इससे यूनियन को फायदा होगा या एम्प्लॉयर को फायदा होगा, तो उस कंडीशन में ये मॉडिफिकेशन कराने के लिए अपील की जा सकती है। फिर है अपील। अपीली न्यायालय के अधिकार, कर्तव्य और स्थायी आदेशों की व्याख्या। अपीली न्यायालय का गठन का अधिकार किसको होगा? समुचित सरकार को, यानी कि कंसर्न गवर्नमेंट जो होगी वहीं पर ही अपील की जा सकती है, और वो क्या करेगी, वो लोगों को वहां पर नियुक्त करेगी। तो अपीली न्यायालय के कार्य और अधिकार देख लेते हैं। पहला है यथोचित संशोधन, अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, निरस्तीकरण, कैंसिलेशन और पुष्टिकरण, कन्फर्मेशन। कोई भी एपलेट जो ट्रिब्यूनल होगा उसका क्या कार्य होंगे, यानी कि मॉडिफिकेशन करने का कार्य होगा, कैंसिल करने का कार्य होगा और फिर कंफर्म करने का कार्य होगा, सर्टिफाई करने का, कैंसिल करने का या फिर मॉडिफिकेशन करने का। तीनों तरह के कार्य अपीली न्यायालय को दिए गए हैं। अपीली न्यायालय की शक्तियाँ क्या होंगी? पक्षकार और साक्ष्यों की उपस्थिति अनिवार्य करना, साक्ष्य यानी कि एविडेंस ग्रहण करना, यानी कि कहीं पर भी इंस्पेक्शन के लिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जा सकते हैं, वो एफिडेविट ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, तो इस और अगर कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट के संबंध में वो पूछताछ कर सकते हैं, इंक्वायरी वहां पर भी जाकर कर सकते हैं। तो ये सब अपीलीय क्षेत्र अधिकारी, अपीलीय न्यायालय का अधिकार होंगे। प्रमाणकर्ता अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को सिविल न्यायालय की अधिकार शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल न्यायालय यानी कि वो कोई भी ऑर्डर सुना सकते हैं फाइन से रिलेटेड, यानी कि जेल करने का अधिकार नहीं होगा। जेल सिविल न्यायालय के अंतर्गत मतलब दीवानी मुकदमा, दीवानी मुकदमे के अंतर्गत क्या होता है, जेल नहीं करी जा सकती, क्रिमिनल ऑफेंस में जेल का अधिकार दिया जाता है। तो दीवानी न्यायालय के अधिकार, आपने कई बार देखा होगा कि फलां ऑफिसर को दीवानी न्यायालय की अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि आपने देखा होगा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इस तरह से जो कमीशन होते हैं, तो इनको क्या होती है, सिविल न्यायालय की अधिकार शक्तियां, यानी कि ये किसी को जेल नहीं करा सकते। अगर ऐसा नहीं है कि ये अपना कुछ ऑर्डर दे देंगे तो उससे जेल, 6 महीने का ऑर्डर दे दिया, 6 महीने की जेल का ऑर्डर, तो ये नहीं दे सकते,
ये फाइन लगा सकते हैं। फिर है दंड विधान, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स। अब जो सेक्शन 13 है उसमें बताया गया है यहां इसकी पेनाल्टीज के बारे में। अगर कोई भी नियोजक जिस पर दोष सिद्ध किया जाएगा इस प्रावधान, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाएगा जिसके द्वारा, जिस नियोजक के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उस पर 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगने का। देखिए 5,000 रुपये तक का ये मैक्सिमम लिमिट है, ये 1,000 रुपये भी लग सकता है, 100 रुपये भी लगाया जा सकता है, तो 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड इस पर लगाया जा सकता है। फिर है इस धारा के अनुसार यदि तत्काल भूल को नियोजक सुधारता नहीं है और निरंतर बनी वही भूल बनी रहती है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी कोई एक प्रोविजन का उल्लंघन किया गया तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया न्यायालय ने, लेबर कोर्ट ने, लेकिन अगर उसको 24 घंटे के अंदर सुधारा नहीं गया तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से, 200 रुपये पर डे के हिसाब से उस पर दोबारा और फाइन लगाया जाएगा, सरचार्ज लगाया जाएगा। ये 5,000 रुपये के अलग अलग से लगेगा। 5,000 रुपये जो देना होंगे वो तो देना ही होंगे, लेकिन जितने दिन लेट करेगा 24 घंटे के बाद से, एक दिन होने के बाद से 200 रुपये पर डे का उस पर अलग से फाइन लगाया जाएगा। जैसे कि हमने दिखाया है यहाँ पर 200 रुपये का प्रतिदिन का अतिरिक्त दंड जो होगा वो पहले दिन को छोड़कर होगा, यानी कि पहले दिन जिस दिन अपराध पकड़ा गया है उस दिन को छोड़कर उसके बाद से 24 घंटे के बाद से 200 रुपये पर डे का फाइन एक्स्ट्रा लगेगा 5,000 रुपये के अलावा। फिर है कोई भी नियोजक जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान को अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड किए जाने का प्रावधान है, और सुधार ना किए, अपनी गलती को सही 24 घंटे के अंदर ना किए जाने पर 25 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा इस पर फाइन लगाने की व्यवस्था की जाती है। फिर और अधिनियम में क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया क्योंकि सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं तो सिविल न्यायालय में कारावास की व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी एम्प्लॉयर पर कोई कारावास की सजा नहीं सुनाई जा सकती। अब इसमें एक चीज एक और है, अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, धारा 13 क्लॉज 4। इसमें क्या है, न्यायालय उपयुक्त अपराधों को देखने, उनको दंड देने के लिए प्राधिकृत तथा सक्षम है, उसके अनुसार महानगर दंडनायक, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि दंड कौन दे सकता है, दंड दे सकता है एक द्वितीय श्रेणी का न्यायाधीश या अवर न्यायाधीश। इसमें जो इस देखिए हाँ, द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश से नीचे का कोई भी अधिकारी, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी अधिकारी इस यहां पर दंड की सजा नहीं सुना सकेगा, उसके अधीन अपराध का विचारण नहीं किया जा सकेगा, यानी कि उसके अधीन अपील नहीं की जा सकेगी। कम से कम सेकंड क्लास ऑफिसर मजिस्ट्रेट हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास स्केल 2 का, ये हमने आपको शायद उसमें भी बताया था फैक्ट्रीज एक्ट में, तो मिनिमम स्केल 2 का सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए, वही उसी के अधीन अपील की जा सकती है और वही दंड देने का अधिकारी होगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, इसके बाद के अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा व्यवसाय संघ अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये बहुत अच्छे से डिस्कस करना है क्योंकि ये आपका जीएस के पार्ट से भी रिलेटेड है। जीएस में हमने आपको बताया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप जितनी भी यूनियंस हैं जो कि दादाभाई नौरोजी द्वारा बनाई गई हैं या और अरविंद घोष द्वारा बनाई गई हैं, तो वो यूनियन आपको सारी ध्यान रखनी है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।